You're watching New Statement Television. एक पूरी जनरेशन इस वक्त ऐसी देख रही है करण को, जो बीच के नाम पे बेवॉच के विजुअल चलते हैं उनके चेहरे पे और आंखों में अंदर, सुबह हो या फिर रात हो या फिर बाथरूम हो, और अभी बीच के नाम पर यहाँ पे वॉलीबॉल जुड़ा हुआ है। तो करण के मन में कैसे पिक्चर चल रही है बीच और वॉलीबॉल सुन के? अगर आप थोड़ा सा राइट पैन करें तो आपको पता चलेगा मेरे मन में क्या चल रहा है। राइट पैन करें जरा। बस यही चल रहा है। और यही इसी चीज की जरूरत होती है, मुझे बताया गया था वॉलीबॉल में पार्क ही नजर, जो करण के अंदर बखूबी है। नहीं, एक्चुअली मैं जब से मैंने एक टीम खरीदी है अंबरसरिया हॉक्स, मैं मेरी जो नज़रें हैं ना वो चील की तरह हो गई हैं, थोड़ी तेज़ हो गई हैं मेरी नज़रें। और आई थिंक एंकर बनने का ये बड़ा फायदा होता है, आप थोड़े ना स्पॉन्टेनियस हो जाते हो और आपको आड़ी टेढ़ी चीज़ों में भी कंटेंट निकल आता है आपका। नहीं, इनफैक्ट प्रीतम के साथ जब आपको देखते हैं, कई बार देखा है करते हुए, तो एक मतलब ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ दे सा रहे हैं, यानी आप उनसे कुछ पिक कर रहे हो, वो आपकी कुछ शालीनता पिक कर रहे हैं, क्योंकि प्रीतम है बड़े रूढ़ी, हमारे नागपुर के ही हैं क्योंकि बड़े अच्छे जानते हैं उनको। चलो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, उनको निकाल दिया गया है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, उनको निकाला नहीं है, प्रीतम ने छोड़ दिया शो, क्योंकि अब जो शालीनता है वो शालीन में ही है, तो प्रीतम क्या करते उसके। बट प्रीतम एक्चुअली एक कमाल के इंसान है, कमाल के आरजे हैं, और हमारे साथ अभी बॉक्स क्रिकेट लीग हो रही है, उधर एंकर हैं वो, तो उधर वो मेरी बहुत खिंचाई करते हैं, तो वो एक लौते इंसान है जिनकी मैं खिंचाई कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ नहीं होता ना, मैं बोलता हूँ किसको निकाला, तो वो फिर हंस के उसके पास कुछ होता नहीं है। बट इज अ ग्रेट गाय, बहुत कुछ सीखने को मिला था, थोड़ा बहुत जितना भी टाइम हमने साथ में 8-10 एपिसोड किए, कमाल के इंसान हैं, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही गिविंग हैं। कभी ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि अरे यार तुम्हें लाइनें ज़्यादा हैं या मुझे लाइनें कम हैं। तो आई थिंक यू नो, व्हेन यू गेट टू वर्क विद सच पीपल, इट्स एन ऑनर एंड इट्स ग्रेट फन। तो आपने बुराई नहीं की और तारीफ भी करी प्रीतम की, भले ही वो यहाँ पे नहीं है सामने तब भी की प्रीतम, इफ यू कैन सी दिस। बट इट इज़ नॉट अबाउट प्रीतम दिस इवनिंग, यहाँ पे आज सन एंड सैंड मुंबई में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल में है, एंड इट इज़ अबाउट बीच बॉल, और ये एक फैंटास्टिक नया कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अभी करण हमको दो बड़े अच्छे शब्दों में बताएंगे। करण कैसे बताएंगे? झकास, मस्त, दो शब्द हो गए। नहीं, अच्छा है वैसे ये। दो शब्द बीच वॉलीबॉल के बारे में बोल दिया, बीच वॉलीबॉल। बट नहीं यार, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थॉट, क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी वबड्डी सबको बहुत हाइप मिली है हिंदुस्तान, आई थिंक बीच वॉलीबॉल की, आई डोंट नो इफ इंडिया की कोई टीम है भी या नहीं, आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे पता नहीं है, वॉलीबॉल की पता है लेकिन बीच वॉलीबॉल की पता नहीं है या नहीं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, थोड़ा नयापन है, समर स्पोर्ट है, समर्स चल रहे हैं, हम जैसे लोग जो बात बात पे कपड़े उतार देते हैं टीवी पे, हमारे को तो बहाना चाहिए, तो हमारे लिए तो ये बेस्ट बहाना है। साथ में आई थिंक जितने भी एक्टर्स हैं जो थोड़े से अनफिट हैं, उनको मौका है फिट होने का। अच्छा मोटिवेशन है कि क्या हुआ, अरे अजी सुनते हो क्या हुआ, आजकल जिम क्यों जा रहे हो? नहीं, वो बीच वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं ना। तो आई थिंक इट्स गुड फन, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड आई एम श्योर जैसे क्रिकेट फुटबॉल या बाकी स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला है, इसे भी मिलेगा। टेलीविजन फेसेस हैं, तो आई थिंक एक बनी बनाई आपकी फैन फॉलोइंग पहले से ही होती है, एंड आई थिंक व्हाट बेटर वे टू एक्चुअली प्रमोट इट विद टीवी एक्टर्स। आई थिंक टीवी बहुत बड़ा हो गया है, तो आई जस्ट होप हम अपना बेवकूफ़ ना बनाएं बस खेलते वक्त, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, और ये आई होप उन कंट्रीज़ में ना दिखाया जाए जहाँ पे बीच वॉलीबॉल बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि वो हम पे बहुत हंसने वाले हैं। लेकिन एक बहुत फ़ायदा है बीच वॉलीबॉल का, वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी को नहीं आती खेलनी। हाँ, और मेरे ख्याल से हाँ, हम उसमें कुछ अपने ही कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स भी निकाल दें, कुछ मूव्स निकाल दें, निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक बीच वॉलीबॉल, फॉर्चुनेटली मैं उनमें से हूँ जिनको थोड़े बहुत रूल पता है। अच्छा, बीच वॉलीबॉल का सबसे पहला रूल है कि दो ही लोग होते हैं टीम में, चाहे मिक्स डबल्स हों या डबल्स हों, ओके, दो ही लोग होते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतने सारे एक्टर्स को लाके उनको पैसा दोगे तो उनको यूज तो करना बनता है ना, काम भी कराओगे ना, बिल्कुल। फिर प्रोड्यूसर वाली लैंग्वेज थी ये, मतलब साथ में बीच वॉलीबॉल का आउटफिट रूल नंबर वन है, बॉयज सिर्फ शॉर्ट्स पहनते हैं, दैट इट कैन बी लॉन्ग शॉर्ट्स और शॉर्ट शॉर्ट्स, और लड़कियां या तो लड़कियों को बिकिनी पहननी होती है, या दे हैव टू वेयर शॉर्ट्स विच आर 3 सेंटीमीटर्स अबव द नी एंड अ टी शर्ट,
अब कितनी लड़कियां यहाँ पे इन दोनों में से कुछ पहनना पसंद करेंगी वो तो मेकर्स को ही पता है, वक्त ही बताएगा। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो या कुछ भी हो, आई थिंक द बॉयज आर गोना हैव अ ग्रेट व्यू विद ऑल द हॉट लेडीज प्लेइंग वॉलीबॉल एंड आई थिंक इट विल बी फन, इट बी अ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट थॉट यार, इट्स जस्ट समथिंग विच प्रॉब्ली नोबडी थॉट ऑफ। आई थिंक इसके बाद स्टेपू, गुली डंडा, पिट्ठू, कंचे, इन सब का भी कुछ आ ही जाएगा। तो हम एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग की दुकान तो बंद कर ही दी है, हम सिर्फ आजकल क्रिकेट स्पोर्ट्स खेलते हैं। नहीं नहीं, जो कि बहुत अच्छा है और ये फ्यूचर था, फ्यूचर जो हमने आपको यहाँ से दिखा दिया। बट मैं करण आपको उस पास्ट में लेके जाऊँगा जहाँ पर आज भी मैं जबलपुर से हूँ और जबलपुर में मेरी कजन्स जो है वो आज भी मतलब उस रणवीर के लिए बड़ा प्रेम रखती है जो रिमिक्स में आके मतलब उनको एंटरटेन कर, रणवीर ही राइट, रणवीर सिसोदिया, सिसोदिया साहब थे ये रिमिक्स में और मुझे भी बड़ा पसंद था उसका गाना दिल की ये धड़कन, अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। सडनली मुझे ऐसा, मुझे ना जब कोई भी मिलता ना अंदर से जेन्युइनली मैं दिल से कह रहा हूँ ये बहुत खुशी होती है, बट कहीं कहीं डर लगता है क्योंकि ऐसा लगता है यार 12 साल हो गए लोगों को अभी भी रणवीर सिसोदिया याद है, बाकी काम नहीं पसंद आया क्या? नहीं नहीं वैसा नहीं, मेरे ख्याल से मैं मजाक कर रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन जो कहते हैं वो बड़ा जोरदार। आई थिंक फॉर ऑल यू रीमिक्स फैंस देयर इज समथिंग ग्रेट दैट्स अबाउट टू हैपन, शायद रीमिक्स वापस आ जाए, हम लोग उस फिराक में हैं। एक सेकंड कर, ये देखिए ये क्या लिखा है, न्यूज़टेनमेंट, ये न्यूज़टेनमेंट एक्सक्लूसिव है और अभी अभी ब्रेक कर रहे हैं, ये पता था क्या? शायद नहीं, ये शायद वापस आ जाए, हम लोग आई रिटन समथिंग बट अभी बहुत अर्ली स्टेज है, लेट्स सी, लेट्स होप वी कैन गेट एवरीबॉडी बैक टुगेदर जस्ट फॉर लाइक अ डिजिटल सीरीज और समथिंग लाइक दैट, विल बी फन। नहीं रीमिक्स की अगर हम बात करें तो उसके साथ जुड़ा हुआ शायद भी काफी लगता है। तो रणवीर आप बहुत बात कर चुके हैं लोगों से, और वक्त नहीं लेता आपका, आप बढ़िया पार्टी को इंजॉय करिए और फिर से मिलते हैं और मजे करते हैं। न्यूज़टेनमेंट क्यों देखना चाहिए आपके हिसाब से? न्यूज़टेनमेंट इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको रणवीर सिसोदिया ने सबसे पहले बताया कि शायद रीमिक्स वापस आएगा और ये कमाल के लोग हैं। जबलपुर मैं एक बार गया हूँ, बहुत खातिरदारी करते हैं, इतना खिलाते हैं कि मतलब आदमी परेशान हो जाए कि भैया बस करो, लेकिन वहाँ पे कई चीज़ें हैं जो मैंने ज़्यादा टाइम में बिता नहीं पाया था, मैं इवेंट के लिए गया था। बट आई थिंक न्यूज़टेनमेंट को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा दैट ऑल द बेस्ट गाइस, एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज ह्यूज नाउ, सो ऑल द बेस्ट, मे यू बिकम रियली रियली बिग। थैंक यू सो मच करण, इट वाज प्लेजर। या दिस इज न्यूज़टेनमेंट टेलीविजन।